देश भर में एनआरसी को लेकर चल रही तीखी बहस और विरोध प्रदर्शनों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह ने जमकर हमला बोला है। सिंह ने कहा है कि अखिलेश को पाकिस्तान जाकर वहां पूजा करनी चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि वहां क्या होता है। सिंह ने कहा अखिलेश यादव को पाकिस्तान जाना चाहिए और एक महीने तक किसी मंदिर में पूजा करनी चाहिए, तब उन्हें समझ में आएगा कि वहां क्या होता है। उन्हें पता ही नहीं है कि वह क्या चाहते हैं। सिंह ने कहा कि अखिलेश को नागरिकता संशोधन कानून और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में पढ़ना चाहिए। सिंह ने कहा एनपीआर में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस देने जैसे आसान विकल्प हैं। उन्होंने यादव पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने और परिवार को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि वह लोगों को सीएए के बारे में गुमराह करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि सीएए गरीबों के हित में है और इसलिए इस पर स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। गौरतलब है कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान करता है, जिन्होंने इन तीन पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करने वाले लोगों को सम्मानजनक जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएए पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रुख के चलते ना तो हिंदू उन्हें वोट देंगे और ना ही मुसलमान। उन्होंने इन दलों के नेताओं और जेएनयू तथा जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों को सीएए पढ़ने की सलाह दी है। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि वह नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा था बीजेपी के लोग तय नहीं करेंगे कि हम नागरिक हैं या नहीं। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रास्ता दिखाया था, उन्होंने कुछ कार्ड जला दिए थे। यहाँ हम पहले होंगे जो एनपीआर का फॉर्म नहीं भरेंगे। मैं कोई फॉर्म नहीं भरने जा रहा। और उनको कौन है भाई, वह समझे ना एनपीआर क्या है। एनपीआर कुछ नहीं है, केवल उसमें मांगा जाएगा, उसमें एक केवल मांगा जाएगा कि आधार कार्ड है आपके पास, आप कहेंगे नहीं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या, कहेंगे नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो तीन आदमी आकर कहे कि नहीं ये यहीं के रहने वाले हैं, इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप कहेंगे तीन आदमी भी ना मिले और आधार कार्ड भी ना मिले और वह भी ना मिले, तो ये कैसे आपको यहाँ रखा जा सकता है। तो तीन आदमी कम से कम बताने वाले हो जाएं कि नहीं आप है। कोई कानून एनपीआर ऐसा थोड़ा है, हर देश का हर नागरिकता का रजिस्ट्रेशन होता है। वह कम से कम आप लाखों विदेशी आ गए हिंदुस्तान के अंदर, तो यदि नहीं पूछा जाएगा उनसे तो कैसे आप चलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को क्या रखना चाहते हैं। आप जाइए पाकिस्तान में, अखिलेश जी से पूछे कि पाकिस्तान ना हो चले जाएं, थोड़ा होकर आ जाएं और वहाँ मंदिर का पूजा करें एक महीना थोड़ा सा, तो एहसास हो जाएगा क्या होता है वहाँ पर। तो वह क्या मांग रहे हैं उनको मालूम नहीं है। वह एक्ट तो पढ़े, वह ठीक ढंग से पढ़े, एनपीआर पढ़े, सीए पढ़े, उसको ठीक ढंग से पढ़े, अपने आप समझे। वह जबरदस्ती का आंदोलन। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।